नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने एक व्यवसायी और श्रीनगर में इकबाल पार्क के पास स्थित बिंद्रू मेडिकल के मालिक माखनलाल बिंद्रू को उनकी फार्मेसी के अंदर बेहद पास से शाम 7 बजे के आसपास गोली मार दी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बुधवार को माखनलाल बिंद्रू का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला समेत कई दिग्गज उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। लोगों ने नम आंखों के साथ माखनलाल बिंद्रू को अंतिम विदाई दी। वहीं माखनलाल बिंद्रू की बेटी समृद्धि बिंद्रू ने कहा कि मैं इस घटना को अंजाम देने वालों को कहना चाहती हूँ कि वो अपनी एनर्जी पॉजिटिव कार्यों में लगाएं। मेरे पिता नहीं रहे, मैं तब भी अपने चेहरे पर स्माइल के साथ खड़ी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो एक योद्धा थे। मैं उन्हें सलाम करती हूँ। I am an associate professor. I've started from zero level. My father started from a bicycle. My brother, he's a famous diabetologist. My mother, she sits on the shop, a female lady. That is what Makhanlal Bindru made us. A Kashmiri Pandit, he will never die. You can just kill the body. And I being a Hindu, I have read Quran. And Quran says, कि ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा। Makhanlal Bindru will be alive in the spirit. And Mr. who shot my father dead while he was working, if you have the guts and courage, come in front and have a debate. Have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, एहें करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे, एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने, उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने, इतनी औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने और मेरे से बात कर। डॉक्टर समृद्धि बिंद्रू ने कहा कि शरीर खाक हो जाता है, मगर जिन्होंने ये काम किया है, उन्होंने अपने लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल लिए हैं। द बॉडी हैज गॉन, ठीक है, कल ये मिट्टी बन जाएगा। क्या आप लोगों की कॉन्शियसनेस आपको कभी जवाब नहीं देती कि हमने गलत किया? आप जो भी ये मीडिया की न्यूज, कोई भी ये न्यूज देखेगा ना, उस एक एक इंसान ना, कभी जब अकेले बैठोगे ना शाम को, सोचना कि एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी अपनी सिर्फ काम में लगा दी, सिर्फ मेहनत की, सिर्फ कश्मीर के लोगों को सर्व किया, दिन रात सिर्फ ये देखा कि कोई गलत मेडिसिन ना चली जाए, सबकी सेवा की, एंड पे उस इंसान का ये रिजल्ट, सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस से पूछना, ठीक है। आप सब कश्मीरी जो भी ये न्यूज देखेगा, अपनी कॉन्शियसनेस से पूछना कि क्या ये सही हुआ उस इंसान के साथ, बिकॉज जाना तो सब नहीं है, सभी जाएंगे। आप भी इसी दुनिया में नहीं रहने वाले हैं, आप सब भी जाएंगे और हम भी जाएंगे, और आप सब भी उसी अल्लाह को जवाब दोगे। वो अल्लाह भी एक है, भगवान भी एक है, और वो गुरु नानक भी एक ही, आप सब उसको जवाब दोगे। और जिसने ये इंसिडेंट किया है, उसने पता है क्या किया है, उसने अपने लिए जहन्नम के दरवाजे खुद खोल दिए हैं। ये कश्मीर की लड़ाई नहीं हुई, ये तो आपने उस इंसान को मारा जिसने कश्मीरियों को सर्व किया, तो कैसे ये कश्मीर की लड़ाई होगी, जरा आप मुझे बताएंगे? ये कश्मीर की लड़ाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो कश्मीरियों को सर्व कर रहा था और आपने उसी इंसान को मार दिया। तो आपने अपने लिए जहन्नम, जो आप जहन्नम और वो कहते हैं, मैं तो कुरान थोड़ी बहुत सुनी है, बिकॉज आई हैव मेनी मुस्लिम फ्रेंड्स, तो आपने खुद आपने वो डोर्स खोल दिए, ठीक है। आपको बता दें कि माखनलाल बिंद्रू 40 साल से कश्मीर में लोगों तक दवाइयां पहुंचाने का काम कर रहे थे। कश्मीरी पंडित बिंद्रू 1990 के दशक में जब आतंकवाद अपने चरम पर था, तब भी वो कश्मीर में ही रहे और अपनी फार्मेसी चलाते रहे। पुलिस ने कहा है कि उनकी फार्मेसी के आसपास के इलाकों को सील कर दिया गया है और तलाशी अभियान जारी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ातरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।